आप सबको ईद मुबारक। अभी टाइम हो रहा है 8:30। अभी मैं जल्दी जल्दी उठा था नमाज के लिए, रेडी होने के लिए। मेरे जहन में नहीं था कि मैं ब्लॉग भी स्टार्ट करूँ, तो अभी अम्मी ने बोला कि ब्लॉग तो बना लो। फिर मुझे याद आया अभी मैं नमाज के लिए निकल रहा हूँ। ये अम्मी बैठी है, अम्मी सबको ईद मुबारक करो। बिस्मा नीचे लेटी हुई, अभी तैयार भी नहीं हुई, ऐसे रास्ते में लेटी हुई सो रही है। बोलिए तैयार हो जाओ फिर दिखाऊंगा। नहीं, अरे नहीं, 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 नहीं नहीं छोड़ो भैया, ब्लॉग खराब हो जाएगा मेरा। मेरी बेटी वैसे भी बहुत प्यारी है। हटो सामने से, हटो, खड़ी हो, हट जाओ। दिखा दिखा इसको, दिखा नहीं इसको, दिखाई नहीं रहा। इधर जाओ, यहाँ जाओ, मैं खुद को शीशे में दिखाऊंगा ना। हाँ ये आएगी वरना ये देखो। मैं नमाज के लिए तैयार हो गया हूँ, अभी अभी जल्दी से जाके हम नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ कर आकर फिर थोड़ा सा घर पे कुछ मीठा मीठा खाएंगे, अम्मी से ईद मिलेंगे, ईदी लेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो अभी चलते हैं हम जल्दी से नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ के लिए लेट हो रहा है। बाय बाय। नमाज़ के लिए लेट हो रहा है, अभी जल्दी जल्दी चल के नमाज़ पढ़ते हैं। गाने वाने लगाए हुए ईद के दिन, अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्या हुआ? क्या हुआ? असली में अभी मैं नमाज पढ़ कर आ गया हूँ, अभी हम लोग मीठा खाएंगे। वो जम्मी मीट वो बना हुआ शीर खोरमा, ठंडा हुआ है। अभी हम लोग जल्दी से जल्दी शीर खोरमा खाएंगे मीठा मीठा, ईद के दिन क्योंकि सुन्नत होती है नमाज पढ़ कर आके मीठा खाना। पहले ईद तो मिल रहा अम्मी, ईदी ईदी तो आए, जेब तो मारी हो थोड़ी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, तैयार होके मिलेगी, ऐसी मिलेगी, तैयार होके मिलेगी ना। साइलेंट ब्लॉग नहीं बना रहा यार, ये देखो ये हमारे जुबैर भाई। हाँ ईद मुबारक करो, ईद मुबारक करो सबको यार। ये जुबैर भाई का आपका नाम क्या है भाई? पेट प्रमोशन है ना? हाँ हमजा, ये हमारे उसामा भाई। ईद मुबारक, ये हमारे आलमीन ईद मुबारक। अभी घर पे मीठा भी नहीं खाया मैं, तुम लोगों ने मीठा खा लिया घर पे? नमाज पढ़। अबे तेरे को पता है मैं इसने मेरे को पता नहीं, वाहिद ने बताया मेरे को कि 7:45 बजे और नूरानी में नमाज होगी। कितने 7:30 पे उठा। मैं यार कैसे होगा नमाज कैसे पढ़ूंगा, मैंने चलो चक्कर लगाते नहीं होगी तो आ जाएंगे। गए अल्लाह वाली में, गया नूरानी में तो हो गई थी। अल्लाह वाली में जाके बैठा हूँ, 10 मिनट बैठा, 7:30 हो रहे थे, 8 बज रहे थे, पता चल रहा 8:30 पे जमा देता, आधा घंटा और पहले पहुँच गया। आलमीन पुलाव खाएगा, बिरयानी पुलाव खाएंगे। अब प्याज का नाम है ना? नहीं बेटा प्याज व्याज नहीं, रायता है। अभी खाना खाने के बाद यहाँ पे हमारा पिक्चरों का भी सीन है, देखो कहाँ जाते हैं। अभी तो घूम फिर के आगे जगह ढूंढ के। अबे तुम लोग वहाँ, तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई थी, हम लोगों ने वहाँ जगह देख ली थी इतनी प्यारी। कहाँ पे?
वही तो ज़ियाउद्दीन की तरफ से वहाँ जाके बिल्डिंग थी एक बड़ी, वाइट गेट भी था, दूसरा ब्राउन दरवाज़ा भी अच्छा लग रहे थे। कौन भाई वोट कर लो, पेप्सी 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 ले आओ। अबे सिंगल है भैया, पिक्चर लेने के लिए एक घंटे से लोकेशन ढूंढ रहे हैं और कोई लोकेशन बिल्कुल कोई अच्छी मिल ही नहीं रही। मुझे ऐसा लग रहा है घर पर जाकर पिक्चर लेनी पड़ेगी, पड़ेगी इंडोर पिक्चर, यहाँ तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। क्या सूरत हाल है आपके? गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, पिक्चर के लिए लोकेशन कोई नहीं मिल रही। बोतल मोतुल पीना है मुझे। क्या पीना? बोतल कोल्ड ड्रिंक पीनी है यार। आओ तुम, हम बोतल पिलाएं। कोल्ड ड्रिंक लिमका विमका पीने का दिल कर रहा है। शरीफ नगर, शरीफ नगर। अरे हम तुम्हें पिलाएंगे CO2, आओ तो सही। अरे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पिलाएंगे, गर्म पियो। कार्बन डाइऑक्साइड पिएगा ये CO2। हम तुम्हें पिलाएंगे वो क्या बोलते हैं यार, माउंटेन टू घर के आगे जीते। गर्मी हो रही है, फारिक लोकेशन मिल रही थी ना हमें, इस कदर कोई फारिक लोकेशन। मेरे बाकी दो दोस्तों की तो मैंने पिक्चर जैसे जैसे खींच दी, लेकिन मेरी उन्होंने ऐसी खींच दी कि पोस्ट करने लायक भी नहीं। तो फिर अभी मैं घर आ गया, पिक्चर जो खींची थी बेकार लग रही, मैंने पोस्ट नहीं करी, मैंने एक वीडियो बना के डाल दी थी। और आज जाना है मुझे मामू के घर भी, तो या और अभी मैंने सुबह से अभी तक मीठा भी नहीं चखा, आप लोगों को पता है। अभी मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि शेरकुरमा खाऊँगा जी। तो चलो अभी शेरकुरमा खाते हैं, यहीं बैठ के खाएं, ऊपर बैठ के यहीं बैठ के खा लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। चलो शेरकुरमा खाते हैं। अब मैं देखो, अगर शाम को दोबारा अगर कहीं निकले तो वहाँ अगर कोई अच्छी लोकेशन दिखी तो वहाँ पे करेंगे पिक्चर को क्लिक, फिर करेंगे पोस्ट। सीन कुछ ऐसा हुआ, मीठा खा लिया मैंने, उसके बाद मेरे दोस्तों की मुझे कॉल आ गई थी अर्जेंट, वो लोग जल्दी जल्दी निकल रहे थे हम कहीं पे, तो और मोबाइल में ना मेरे चार्जिंग बहुत लो थी, कितनी 20% 30% मेरे ख्याल से चार्जिंग थी, इसलिए मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू वहाँ पे नहीं करा, क्योंकि आपके भाई की पिक्चर्स रह गई थी यार। अगर ब्लॉग बनाते रह जाते ना फिर मोबाइल बंद हो जाता, और ईद के पहले दिन पिक्चर्स ही नहीं ली जा सकती थी फिर मेरी मोबाइल से। वहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर ले ली, उन लोगों ने भी और ले ली। अब मुझे निकलना था घर जाके मामू के घर पे, घर से अम्मी की कॉल आ रही थी, मैं बाहर था घर से अम्मी की कॉल आ रही थी, तो फिर मैं जल्दी जल्दी घर के लिए निकल गया। तो यार अभी मैं घर आ गया हूँ, पिक्चर्स मैंने ले लिए हैं और बहुत अच्छी आई हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, सेटिस्फाइड हो गया हूँ मैं। और मैंने व्लॉग वहाँ पे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया था, मतलब बहुत कम चार्ज था, तो हमने पिक्चर्स के लिए बचा लिया था। तो अभी मैं घर आ गया हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं मामू के घर पे, तो अब जल्दी लेट हो रहे हैं हम, अब यहाँ से हमें निकलना है, उनके घर जाना है, फिर वहाँ से नानी के घर जाना है। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जल्दी जल्दी, बहुत लेट हो गया वैसे ही, अम्मी बहुत शोर कर रही हैं कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो अब मैं आगे व्लॉग देखो वहाँ जाके कंटिन्यू करता हूँ या घर आके करता हूँ, तब तक के लिए बाय। तो यार आप लोगों को पता है मेरे साथ क्या सीन हुआ? सीन ये हुआ, कल हम लोग जैसे निकल रहे थे मेरे मोबाइल में चार्जिंग में बिल्कुल लो थी कल, हाँ ये कल की बात हो रही है, और आज ईद का सेकेंड डे है। कल यार वहाँ चले गए, वहाँ इतना मतलब क्राउड वगैरह इतना, तो मुझे व्लॉग वहाँ पे बना नहीं सका, और आते हुए मैं इतना थक गया था, रात को 1:30 बजे हम लोग घर पे पहुँचे और मैं आके लेटा और सोया हूँ, और अगले दिन मैं उठा हूँ। तो ये मेरे ख्याल से अपना ये दो ईद का कम्बाइंड व्लॉग आएगा। आज हमारा कहीं जाने का प्लान है दोस्तों का, घूमने फिरने जाने का, तो अभी टाइम शाम हो रही है अभी, और अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, और अभी मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ, चेंज करके फिर हम लोग कहीं जाएंगे। हमारा मेरा सीन है कहाँ जाने का, मेरे ख्याल से पोर्ट ग्रैंड जाने का सीन है हमारा, तो देखो वहाँ ईद फेस्टिवल लगा हुआ है तो वहाँ जाके एंजॉय करेंगे और व्लॉग बनाएंगे। तो यार मैं रेडी हो गया हूँ, ये देखो कैसे दिखाऊँ, ऐसे तो नज़र नहीं आएगा, वीडियो वगैरह में देख लेना बाद में। रेडी हो गया हूँ मैं, अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, वो बाहर वेट कर रहे हैं, मुझे 3-4 दोस्तों की कॉल आ गई है कि जल्दी रोड पर आ जाओ रोड पर आ जाओ, अभी मैं जल्दी से जा रहा हूँ बाहर, तो आगे जाके देखते हैं अभी आगे क्या होता है व्लॉग में। तो यार बिल्कुल भी लंबी ना करते हुए और टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम पहुंच गए सीधा अपनी डेस्टिनेशन पर जहां हमें जाना था यार, क्योंकि अगर लंबी करने बैठ जाते ना तो बस समझ जाओ। फाइनली आ गए पोर्ट ग्रैंड, बोल रहा हूँ फाइनली आ गए पोर्ट ग्रैंड, बड़े ही
दो जगह म्यूजिक परफॉर्मेंसेस हो रही थी, एक इधर लड़की गा रही थी, एक उधर लड़का गा रहा था। अब आप खुद सोच लो और खुद ईमानदारी से बताओ, अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे जहाँ लड़की गा रही थी। तो हम भी यहीं चले गए, हमने हाँ उसमें टाइम है, बहुत टाइम है। भाई साथ रे पे हम दोनों खो जाएंगे। हाँ हम दोनों छोटे छोटे हैं, लोगों के पैरों के नीचे आ जाएंगे। मैं बड़ा हूँ, 2 इंच बड़ा हूँ। नहीं नहीं शूज बड़े पहने बेटा, आपने भी शूज बड़े पहने। नहीं जी अभी हम लोग जा रहे हैं कॉन्सर्ट में। नहीं भाई कॉन्सर्ट, लेकिन कॉन्सर्ट की आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल, ऐसा लग रहा है बंद हुआ हुआ है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। बहुत माजरत, और बहुत माजरत बाकी, आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस एंजॉयमेंट में प्लीज भूल ना जाएं, यहाँ बैक स्टेज अली है, प्लीज उनको बुला लें, जो भी उनकी फैमिली है यहाँ पे मौजूद, अली बैक स्टेज मौजूद है और वो मिस कर चुके हैं अपनी फैमिली को। प्लीज आप में से जिनका भी बच्चा, जिनका भी भाई, प्लीज थैंक यू। अली को हम किसी से, किसी को भी नहीं, हो गया है लेकिन किसी की यादों में अपने पास ही रखेंगे। जरा ताली बजाएं उस बच्चे के लिए, ऐसा नाम है उसका कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत सारी ताली बजाएं तो ना तो मिल जाएगा, परेशान ना हो हमारी फोर्ट कैंप की जो टीम है। बच्चा को हो गया, अब ये तालियां बजा रहा है। चलो जी हम हो तैया बल प्यार के दुश्मन, हाय हाय मेरी जान का दुश्मन, हाय 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 लड़का और लड़की तेरे तेरे ना माने, ये जिद ना छोड़े मेरे दिल को तोड़े, ये बंदे ना दे अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी वैसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, कट जाएगी में। अगर आप जाओ ना तो अगर किसी बड़े सिंगर का कॉन्सर्ट हो तो बहुत मजा आता है। हम पहली बार जब पोर्ट ग्रैंड गए थे तब फलक शबीर का कॉन्सर्ट था, यकीन मानो बहुत मजा आया था। लेकिन आज मुझे पता था कि मजे का वो लेवल नहीं होने वाला, क्योंकि कोई कॉन्सर्ट नहीं था, नॉर्मल सी एक कैजुअल सी म्यूजिकल नाइट थी। मुझे पता था, ठीक है, मैंने दोस्तों को बोला था कोई कॉन्सर्ट नहीं है, आया पोर्ट ग्रैंड में मजा नहीं आया, मजा आया। लेकिन मेरा दोस्त जो है सनी, उसको जाना था, क्योंकि हम 2 से 3 दफ़ा पोर्ट ग्रैंड गए थे, वो हमारे साथ एक दफ़ा भी नहीं जा सका, और आज ईद भी थी तो उसको जाना था। वो बिल्कुल जिद, भाई तू अगर देख रहा है तो सच बता रहा हूँ, तू जिद करते हुए बिल्कुल छोटा बच्चा लग रहा, छोटे बच्चे नहीं बोलते हाँ मुझे यहाँ जाना है, मैं यहाँ जाऊँगा, जाना है चलो ना, बिल्कुल वैसे भाई को घुमाने आए थे। हाँ वही तुमने पोर्ट ग्रैंड देख लिया, कैसा लगा? आई फील लाइक अबे अच्छा लगा बस। अबे रो रहा कैसे था होटल में बैठ के, मैं घर जा रहा हूँ। अबे तुझे नहीं पता किस बात के लिए रो रहा था मैं, किस बात के लिए रो रहा था बाद में बताऊंगा वीडियो में। अबे यार तू समझ नहीं रहा, समझाना, हम सब समझदार हैं समझ जाएंगे। उसके लिए अरे डाटा, उसके लिए रो रहा था। हाँ जूम कर ले। अबे जूम क्यों करूँगा, अबे पिक्चर वीडियो वीडियो भी एडिट नहीं करी, कुछ भी नहीं डाला, पिक्चर भी अपलोड नहीं करी, लगा दिया, बड़ा फास्ट चल रहा है तू तो। फिर तेरे को किसको कॉल कर रहा है? निशान को कॉल कर रहा है, पप्पा से बात कर रहा है, पप्पा से। यार हम 2 से 3 दफा पोर्ट ग्रैंड गए ना, हम समझो जो स्टेज है ना जहाँ बिल्कुल एकदम वो लगा देते हैं, बैरियर लगा देते हैं और सामने स्टेज होता है, हम वहां तक पहुंचे, हम बिल्कुल पीछे होते थे, इतना क्राउड होता था कॉन्सर्ट में कि हम थोड़ा थोड़ा इतने इतने से ऐसे ऐसे रंग रंग के आगे जा रहे होते थे,
और ये फर्स्ट टाइम था जो हम लोग बिल्कुल बैरियर पकड़ के सामने से देख रहे थे, समझो क्राउड था ही नहीं। निहारी का किसने बोला था आइडिया किसने दिया? अगले बंदे को जबान दे दिया। हाँ यार चलो जबान हाथ पांव तो नहीं देना, वापस ले ले। भाई जो भी मंगवाओ भूख लग रही है जल्दी। और एक और मजे की बात, घर जब हम लोग घर पे जा रहे थे रास्ते में मेरी बाइक पंचर हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, और कुछ भी हो सकता है तो वो भी हो जाए यार। और क्या बोल रहा हूँ यार, ये देखो डिफमाद क्या हो गया। मत कैसा लग रहा है, फील कैसा हो रहा है आपको? बड़ी मुशक्कत हो गई है, मेरे को यही डर लग रहा था टायर ना पंचर हो जाए। अब थोड़ी हमारी बढ़ा रहे हम लोग माशाल्लाह से। ओके फिर हमारा निहारी खाने जाना तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, मतलब हम लोग चले गए थे लेकिन वहाँ पे जावेद निहारी गए थे, लेकिन जावेद निहारी बंद। ईद का दिन और जावेद निहारी बंद, फिर ना चाहते हुए भी फिर हमें बैठ कर वही फास्ट फूड खाना पड़ा, अपना जिंगर या बिरयानी। बिरयानी तो फास्ट फूड नहीं है, हमें अपना जिंगर खाना पड़ा। अबे भाई अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे। ये लेगा अप्रूव, मेरे को करा देना 256 GB, मेरा 64 वैसे ही फुल हो गया। ये बिरयानी भी आ गई माशाल्लाह, बिरयानी अच्छी लग रही है, शक्ल से तो अच्छी लग रही है, खा के पता चलेगा। ये हमारे जिंगर आ गए, दो बंदे में धोखा देके चले गए घर पे वापस, उनका अल्लाह अल्लाह पाक हिसाब करेगा अलग से।
अबे पता अच्छा आ रहा है। ये बात तो है, जैसे अभी आपका कोई प्लान होना या कोई त्यौहार हो या ईद हो कुछ भी हो, आपके साथ भंड होना लाजमी है, होगा ही होगा, वही हमारे साथ भी हुआ। तो बस ये था व्लॉग हमारा ईद का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दिएगा। ओके, अब मैं आपको मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।